हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज की इस वीडियो में मैं खरगोश से जुड़ी सात ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जो एकदम काल्पनिक हैं मिथ हैं खरगोश से जुड़े ये सात मिथ हैं जो एकदम काल्पनिक हैं बिल्कुल भी झूठ हैं जिनसे खरगोश का कोई भी लेना देना नहीं है सिर्फ और सिर्फ लोगों की धारणाएँ हैं जो कि एकदम गलत हैं तो खरगोश से जुड़े वो सेवन मिथ कौन कौन से हैं आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि खरगोश से जुड़े ये जो साथ झूठ हैं मिथ हैं इनमें किस हद तक सच्चाई है और ये कितने काल्पनिक हैं सो so प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजबल एंड हेल्पफुल होने वाला है सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें पूरा एंड तक देखें वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप लोग एग्री हों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं खरगोश से ये सेवन मिथ मिथ नंबर वन रेबिट ईट ऑनली कैरेट खरगोश से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ कि रैबिट ओनली कैरेट खाते हैं लोगों ने गलत धारणा बना रखी है कि रैबिट सिर्फ़ गाजर खाते हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ गाजर खाना ही पसंद है गाजर के अलावा खरगोश को कुछ और पसंद नहीं है मोस्टली हम लोग देखते रहते हैं कि मूवीज़ में कार्टून में रैबिट सिर्फ और सिर्फ गाजर खाते हैं और शायद यही कारण है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भ्रम हो गया है कि खरगोश सिर्फ़ गाजर खाते हैं और कुछ नहीं तो मैं आपको बता दूँ ये जो धारणा लोगों ने बना रखी है एकदम गलत है हाँ खरगोश गाजर खाते हैं शौक़ से भी खाते हैं जिस तरह खरगोश और फूड शौक से खाते हैं जैसे केला सेब हरा धनिया इसी तरह का और फूड जो खरगोश के फेवरेट फूड में आते हैं तो इसी तरह गाजर भी खरगोश के फेवरेट फूड में आती है तो इस बात को माइंड से निकाल दें कि रेबिट ओनली कैरेट खाते हैं बहुत ज़्यादा गाजर खरगोश के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है गाजर खरगोश को एज अ ट्रीट देनी चाहिए ना कि सिर्फ़ और सिर्फ गाजर ही खिलाते रहें गाजर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो खरगोश की हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये तो आपको पता ही होगा कि खरगोश के दांत पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गाजर खाने से खरगोश के दांत बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम वाला फूड अगर रेबिड खाता है तो उसकी हड्डियाँ भी इधर उधर से बढ़ना शुरू हो सकती हैं खरगोश का राइट फूड चार्ट जो होता है उसमें एट्टी है टेन परसेंट वेजिस फाइव फ्रूट्स वो भी एज अ ट्रीट एंड फाइव परसेंट पैलेट्स ये खरगोश का राइट फूड है इसे फॉलो करें और अपने खरगोश को एकदम हेल्दी रखें मिथ नंबर टू रैबिट्स स्टिंक खरगोश से गंदी स्मेल आती है खरगोश से जुड़ा दूसरा झूठ कि खरगोश घर में पालने से घर में गंदी स्मेल आती है यह भी एक मिथ है सच्चाई का इस बात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है खरगोश बहुत ही साफ सुथरा एंड क्यूट सा जानवर होता है खरगोश की पोटी भी एकदम ड्राई होती है ना कि कुत्ते या बिल्ली के जैसी गंदी स्मेल वाली होती है खरगोश बहुत ही ईजिली लिटर ट्रेंड भी हो जाते हैं और वो एक ही जगह पर जाकर सोसू करते हैं खरगोश के सोसू पोटी से स्मेल दो ही कंडीशन में आती है एक तो जब उसे रॉन्ग डाइट दी जाए रॉन्ग डाइट का मतलब जैसे रोटी चावल पका मसालेदार खाना ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ या फ्रूट तो इस तरह का खाना अगर आपका रेपिड ज़्यादा खाता है तो गंदी स्मेल ज़रूर आएगी अगर आप अपने खरगोश को अनलिमिटेड मात्रा में ग्रास 10% परसेंट वेजि और फ्रूट्स एज ए ट्रीट खिला रहे हैं तो खरगोश से कभी भी गंदी स्मेल नहीं आएगी सेकंड आपके घर से आपके रैबिट से गंदी स्मेल तब आएगी जब उसकी प्रॉपर साफ सफाई नहीं की जाएगी जैसे उसके लेटर बॉक्स को साफ करना उसके केज को साफ करना तो अगर आप डेली अपने खरगोश की प्रॉपर साफ सफाई कर रहे हैं तो आपके खरगोश से आपके घर से कभी भी गंदी स्मेल नहीं आएगी थर्ड मिथ जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कर देना चलिए अब जानते हैं थर्ड मिथ क्या है थर्ड मिथ है रैबिट नीडा बात यानी कि खरगोश को नहाने की ज़रूरत होती है बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि खरगोश को नहलाना ज़रूरी होता है तभी खरगोश साफ़ होगा तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत धारणा लोगों ने बना रखी है खरगोश को बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए खरगोश को नहलाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर खरगोश के कानों में पानी चला गया तो आपके खरगोश की मौत भी हो सकती है नहाते हुए खरगोश इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है सो प्लीज़ खरगोश को बिल्कुल भी ना नहलाएँ बहुत सारे लोग अपने खरगोश को नहलाते हुए वीडियो बनाते हैं उन्हें लगता है कि वो अपने खरगोश के साथ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता उनका खरगोश कितना डरा हुआ है बहुत तो सारे लोग गर्मी से बचाने के लिए भी अपने रैबिट को नहलाते हैं तो कोई कहता है कि हमारा रैबिट बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो इसीलिए हमने उसे नहला दिया तो मैं आपको बता दूं कि खरगोश को गर्मी से बचाने के लिए नहलाना ये कोई प्रॉपर सलूशन नहीं है खरगोश को गर्मी से बचाने का खरगोश गंदे भी होते हैं तो सिर्फ इस वजह से कि उनके रहने वाले एरिए की अच्छे से साफ़ सफाई ना की जाए मिथ नंबर फोर रैबिट आर नॉट मेंटेन्ड खरगोश को किसी भी तरह के रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती है बहुत ही कम खर्चे में पलने वाला जानवर है बहुत ही छोटा सा होता है इसलिए उसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है तो खरगोश से जुड़ी ये जो सारी बातें हैं वो एकदम झूठ हैं खरगोश को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है खरगोश की डाइट भी मैंटेन करने की ज़रूरत होती है और साथ ही उसकी दवाओं पर भी खर्चा करना पड़ सकता है तो ये बिल्कुल ना सोचें कि रेबिट लो मेंटेनेंस एनिमल है मिथ नंबर फाइव रेसिंग अ रेबिट ब्रिंग्स मनी टू द हाउस। खरगोश से जुड़ा एक मिथ ये भी है कि खरगोश घर में पालने से घर में पैसे की बारिश होती है खरगोश पालने से करोड़पति बनते हैं खरगोश पालने से धनवान बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस मिथ में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई है हाँ इतना जरूर है कि खरगोश को पालने से हमारा मन प्रसन्न रहता है और मन प्रसन्न होने पर हम अपने काम पर फोकस बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं बाकी ये केवल मिथ है कि खरगोश के पालते ही आप धनवान बन जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो पैसा बिना मेहनत किए आपके पास चलकर नहीं आएगा मिथ नंबर सिक्स खरगोश पानी नहीं पीते हैं रेबिट्स नॉट ड्रिंक वाटर ये भी खरगोश से जुड़ा एक मिथ है बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि खरगोश पानी नहीं पीते हैं तो ये भी एक गलत धारणा है खरगोश भी पानी पीते हैं तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि खरगोश पानी नहीं पीते हैं खरगोश पानी पीते हैं और आप अपने खरगोश को पानी ज़रूर पिलाएं मिथ नंबर सेवन फीमेल रेबिड डो नॉट फीड देयर बेबीज़ ऑन देयर ऑन मादा खरगोश अपने बच्चों को अपने आप से दूध नहीं पिलाती है खरगोश को लेकर यह भी एक बड़ा मिथ है मादा खरगोश अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है ये हंड्रेड परसेंट सच नहीं है जब मादा खरगोश बच्चों को जन्म देती है तो उसी समय बच्चों को दूध पिला देती है लेकिन कुछ लोग एक्साइटमेंट में जल्दबाजी करते हैं उन्हें लगता है मादा खरगोश ने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है और वो दिन में दो दो बार तीन तीन बार चार चार बार मादा खरगोश को पकड़कर बच्चों को दूध पिलाते हैं यही सबसे बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से मादा खरगोश बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती है बहुत रेयर मादा खरगोश अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं वरना मोस्टली मादा खरगोश अपने बच्चों को खुद ही दूध पिला देती हैं तो जब भी मादा खरगोश बच्चों को जन्म दे बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें बच्चों के पेट को चेक कर सकते हैं आपको बच्चों का पेट फूला हुआ दिखाई दे जाएगा और आप समझ सकते हैं कि मादा खरगोश बच्चों को दूध पिला चुकी है मादा खरगोश को बेवजह तंग ना करें मादा खरगोश दिन में दो बार खुद ही बच्चों को दूध पिला देती है तो फ्रेंड्स इस प्रकार के किसी भी गलत मिथ में ना पढ़ें अपने खरगोश की खूब अच्छे से केयर करें खूब अच्छे से उसका जो राइट फूड चार्ट है उसे फॉलो करें खूब पानी पिलाएं गर्मियों से बचा कर रखें सर्दी के मौसम में सर्दी से बचा कर रखें अपने खरगोश की खूब अच्छे से केयर करेंगे तो वो आपसे बॉन्ड भी खूब अच्छे से हो जाएगा तो खरगोश से जुड़े ये सेवन मिथ अगर आप लोगों के मन में भी थे तो आई होप दूर हो गए होंगे वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हाँ जिससे कि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ